हेलो किड्स, टुडेज टॉपिक इज मैचिंग द राइमिंग वर्ड। जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं उनको मैच करना है। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज आकाश कुंतल एंड आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं, मैच द राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, राइमिंग वर्ड्स जो क्या होते हैं, जैसे कि हैंड को बैंड, ठीक है, कार को जार, इस तरह से मतलब राइमिंग बनाते हुए हमें मैच वर्ड्स को मैच करना है। जैसे देखिए, हैंड का क्या हो जाएगा, बैंड। सेम यही आपकी वर्कशीट में आपको इसी तरह से राइमिंग बनाते हुए वर्ड्स को एक दूसरे वर्ड से मैच करना है। ठीक है ना, जैसे का हैंड का बैंड हो गया, कार का जार, इस तरह से। ठीक है, बन, सन, हेड, शेड, डे, रे। ओके, इस तरह से आपको फिल करना है ये। देखिए, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्कल द ओड राइमिंग वर्ड आउट इन ईच ग्रुप। इनमें से ग्रुप बने हुए हैं वर्ड्स के, आपको इनमें से राइमिंग वर्ड को फाइंड करना है जो राइमिंग वर्ड से मैच नहीं कर रहा हो। जैसे कि राइमिंग किस तरह से बनती है, देखो, हैट, मैट, रेड, रैट। इनमें से क्या डिफरेंट है, कौन सा वर्ड ऐसा डिफरेंट है जो राइमिंग में नहीं जुड़ पा रहा है। देखिए, हैट, मैट, रेड, रैट। तो हैट, मैट और रैट तो एक साथ राइमिंग में आ रहे हैं, लेकिन रेड नहीं आ रहा है, तो हम रेड को सर्किल कर देंगे। इस तरह से देखिए अगला, बन, डे, रे, से। तो यहाँ पे डे, रे और से क्या है, राइमिंग वर्ड्स हैं, लेकिन बन नहीं है, तो इसको हम सर्किल कर देंगे। सेम इसी तरह से आपको वर्कशीट्स में ये फिल करना है। आपको जो ओड वर्ड है जो राइमिंग वर्ड से मैच नहीं करता है, उसको सर्किल कर देना है। ओके, अब देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन, रीड एंड राइट जेंडर वर्ड्स। हमको क्या करना है, पढ़ना है वर्ड्स को और फिर उनके जेंडर, अपोजिट जेंडर जो होते हैं उनको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि बॉय एक लड़का है, बॉय का अपोजिट जेंडर क्या होगा, गर्ल। क्या होगा, गर्ल। इस तरह से आपको अपोजिट जेंडर जो होते हैं वो फाइंड करने और लिखने हैं। मैन, मैन का क्या होगा, वोमैन। ओके, फादर, फादर क्या है, पिता। पिता का अपोजिट जेंडर क्या होगा, मदर। इसी तरह से आपको जेंडर को लिखना है, अपोजिट जेंडर, उनके सामने जेंडरों को फिल करना है। ओके, थैंक यू।